नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भूपति राजयोग के बारे में। मित्रों, जैसा नाम वैसा काम। भूपति यानी संपत्ति का मालिक, राजा तुल्य सुख सुविधाएं देने वाला योग, ऐश्वर्य देने वाला योग, वैभव देने वाला योग, बड़ी संपत्ति का मालिक बनाने वाला ये योग है। मित्रों, ये योग आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं, ये चेक करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में देखना है कि ये राजयोग बनता है या नहीं बनता है। तो कैसे देखेंगे मित्रों? आपकी जन्म कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, जन्म कुंडली में नंबर चाहे कैसे भी लिखे हो, आपको देखना क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ है, यानी जहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ हो, वहाँ पर यदि चंद्रमा और बुध ग्रह विराजमान है, यानी दो नंबर जन्म कुंडली के जिस भाव में, जिस खाने में लिखा हुआ है, वहाँ पर चंद्रमा और बुध विराजमान है, तो आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है भूपति राजयोग। अब मित्रों, ये राजयोग यानी ये योग चंद्र और बुध की स्थिति, यानी चंद्र और बुध जो है यदि केंद्र भाव में हो, यानी केंद्र भाव में दो नंबर लिखा हुआ हो और वहाँ पर विराजमान हो, तो ये अति श्रेष्ठ होता है। और यदि त्रिकोण भाव में, यानी पंचम और नवम भाव में हो, तो शुभ होता है। और अन्य किसी भाव में दो नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पर चंद्र बुध विराजमान है, तो ये सामान्य राजयोग होता है। मित्रों, ये भूपति राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।